हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने बनाया था एक आयरन फार्म, लेकिन वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तो गाइस, अब हमारे पास आयरन फार्म भी हमने बना लिया, लेकिन वो काम तो नहीं कर रहा। लेकिन आज के इस वाले वीडियो में जो चीज़ हम करने वाले हैं, इस चीज़ का नाम है फार्मिंग। तो हम आज के इस वाले वीडियो में एक फार्म बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस, मेरी एंडरमैन से फाइट हो गई है, तो गाइस बिछा दिया उसे, और उसने गाइस हमें एक एंडर पर्ल भी दे दी है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब गाइस मेरे पास एक एक्सपी फार्म भी है। तो मैं माइनिंग कर रहा था, तो फिर तब मुझे मिला था एक्सपी फार्म, तो वो भी है। उधर ज़ोंबी स्पॉनर तो खैर है, लेकिन अभी हमारी एक्सपी बहुत कम है। खैर है, हम यहाँ पे सोते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने अब सो गया हूँ, और जल्दी से सुबह उठेंगे हम। गुड मॉर्निंग गाइस, अगला दिन हो चुके हैं, और इसी के साथ अब हम जाने वाले हैं जल्दी से अपना फार्म बनाने के लिए। तो ये आ रहा है, और गाइस आपको पता है कि मेरी जो है स्वॉर्ड, उसके अंदर अब हो गई है शार्पनेस 3। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा, शार्पनेस 3 की हो गई है मेरी जो ये आयरन स्वॉर्ड है। तो गाइस, ये देखें, जैसा कि आप लोगों को सामने नजर आ रहा होगा कि मेरे पास एक है शुगर केन फार्म, लेकिन गाइस ये ऐसे नहीं है। इधर ना कोई भी आ जाते हैं, जैसे क्रीपर आ जाते हैं, तो इससे गाइस हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि फिर अगर मैं यहाँ पे लेने आऊँगा क्रीपर फूट गया, तो फिर उसका बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। तो इसलिए अब हमें जल्दी से ना पहले एक बनाना है, वो ये हमें फार्म बनाने हैं, और फार्म की बाउंड्री भी बनानी है, क्योंकि जब तक हम बाउंड्री नहीं बनाएंगे तब तक हमारे फार्म में ऐसे मॉब्स आते रहेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बाउंड्री बनाना। और गाइस, मैंने यहाँ पे बाउंड्री बनाने के लिए ये देखें, मैंने यहाँ पे बहुत सारी इधर इकट्ठी कर लिया, ये फेंस इकट्ठे कर लिए। अब हम जल्दी से गाइस, पहला जो काम है ना हमारा, वो है यहाँ से इस बेड को तोड़ना। तो गाइस, जल्दी से ना पहले इस एरिया को फ्लैट कर लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं आगे का काम कंटिन्यू। तो फाइनली गाइस, यहाँ पर मैंने कर लिया सारी जगह को सही, गाइस ज़्यादा नहीं की लेकिन काफ़ी सारी जगह कर ली है। तो अब जो हमारा काम है वो है गाइस यहाँ पे फार्म बनाना। तो फार्म के लिए पहले हमें यहाँ से खुदाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे करते हैं शुरू। तो ऐसे करके हमें पूरी जगह पे करना है, ये काफ़ी सारा हो गया, बैठ जाते हैं ताकि फिर हम इधर उधर ना हो। इधर तक हो गया, एक और ब्लॉक करना है, तो ये भी हो गया। वो अनलिमिटेड वाटर बना हुआ था, लेकिन हम एक इधर भी बना लेते हैं। तो जल्दी से इधर चलते हैं, और वाटर बकेट, गाइस हमारे पास वाटर बकेट नहीं है, और अब इसीलिए हमें दोबारा सब वापस जाना होगा। गाइस, अगर हमारा आयरन फार्म काम करता ना, तो हम इधर से ही ले आते, लेकिन वो देखें कोई काम ही नहीं कर रहा, विलेजर्स डर ही नहीं रहे उससे, ज़ोंबी से। हम खाना खाते हैं, निकल लेते हैं। तो ये अब हम पहुंचने लगे हैं अपने घर पर। तो ये हम भाग भाग के पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हमें वाटर बकेट उठानी है। वाटर बकेट इसमें है? नहीं, इसमें भी नहीं है, इसके अंदर होंगी। ये देखें गाइस, मेरी तीन तीन वाटर बकेटें जो पड़ी हुई हैं। ऐसा करता हूँ, जो काम का सामान नहीं है उसे रख लेता हूँ, जैसे ये सीड, ये गन पाउडर,
और ये जो फ्लावर्स हैं और इसके अंदर रखवा देते हैं ये स्टोन को, इतना सारा कोबल स्टोन है सारा मैं लेके फेर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, जब तक ना ये कर रहा हूँ इस वाले कोबल स्टोन को उठाता हूँ, तो बस ये वाला जो कोबल स्टोन है ना, जब तक इसे उठाकर इसके अंदर डाल देते हैं। गाइस इसे हमें ना कोबल स्टोन की बजाय स्टोन मिल जाएगा अब, इससे ये कोको होगा फिर हमें स्टोन मिला करेगा मिलेगा सारा। अब वाटर बकेट भी उठा लिया, तो जल्दी से वापस चल लेते हैं अपनी जगह पर जहाँ पे हमने बनाना है अपना फार्म। तो ये हो गया, अब यहाँ थोड़ी सी खुदाई करते हैं। ये हो गया, चार ब्लॉक खोद लिए, अब इन दोनों को इधर रख कर यहाँ से बना लेते हैं अनलिमिटेड वाटर। अब ये हो गया, यहाँ से एक इधर से डाल दी वाटर बकेट, एक इधर से डाल दी, ये हो गया हमारा। अब एक और बकेट उठानी है और उसे डाल दें दरमियान में, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये भी हो गया गाइस, अब हम जल्दी से आगे का काम कंटिन्यू करते हैं कि हमें यहाँ से एक और खुद खोदनी है लाइन ऐसे ही। तो ये हमने काफ़ी सारी खोद लिया, बस थोड़ी सी बच गई है। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया है, अब यहाँ पे भी वाटर डाल देते हैं। तो यहाँ पे वाटर डाल दिया, अब एक वाटर बकेट डालनी है दरमियान में, ये भी डाल दी। तो यहाँ पे बैठ के दोबारा से शुरू कर देते हैं अपनी खुदाई करना। ये कर दिया हमने एक और, फिर से वाटर बकेट लेकर आते हैं और इसमें भी डाल देते हैं। तो ये भी हो गया, अब हमें एक खोई बनानी है यहाँ से, तो ये बन गई हमारी। अब इससे हमें करना है, तो गाइस इससे हम इस पर कोई भी लगा सकते हैं सीड वगैरह। तो जल्दी से सड़क जा रही है और ये बस दो बच गए, तो ये हो गया। अब गाइस हम इस पे सीड लगा सकते हैं, ये देखें ये वाला जो है ना, ये वाला अब ये गीला हो गया, तो इस पे ना जल्दी अब लगेगी ये वाली जो मिट्टी है, ये हो गई है गीली, अब इसके ऊपर हम लगा सकते हैं। अब गाइस हमें ना एक काम करना है कि यहाँ से ये जो है ना इन्हें तोड़ कर यहाँ से सीड इकट्ठे करने हैं। तो सीट कहाँ है, ये मिल गया एक सीट, ये मिल गया और मिल ही नहीं रहे। देखते हैं कितने हो गए हैं, यहाँ पे हमारे पास दो हो गए हैं सीट। तो गाइस यहाँ पे दो हमारे पास हो गया,
अभी इन्हें लगा देते हैं जल्दी से, इसको यहाँ पे लगाते हैं गुस्से को यहाँ पे। तो अब जल्दी से घर पे चलते हैं क्योंकि घर पे भी हमारे थोड़े से भरे हुए हैं सीड, वहाँ से भी ले आते हैं। तो ये हो, हम बस पहुँचने वाले हैं घर पे। चुप नहीं कर सकती होती तू, तो गाइस यहाँ पे ये मैं पहुँच गया हूँ घर पे। और अब ये हमारे कोबलस्टोन देख लेते हैं कितने मिनट हो गए, अभी सिर्फ 6 हुए हैं। चलो खैर है, अभी इनका कोई यूज़ भी नहीं है, अब हम क्या करने आए थे, हाँ बाहर वाले ये चेस्ट में पड़ा हुआ है हमारे साथ सामान खाने पीने का। तो गाइस यहाँ पे हम अब जल्दी से देख लेते हैं कि कौन सा सामान हमें लेके जाना है। तो गाइस यहाँ पर हमें चाहिए होगा यहाँ पे ये सीट चाहिए, और हमें ये वाला सीट भी चाहिए, ये कैरेट्स भी ले चलते हैं। ठीक है, ये तो स्पाइडर आई है, वैसे देख लेते हैं शायद एप्पल भी लग जाए क्योंकि पहले मैंने ऐसे कभी फार्मिंग नहीं की। तो यहाँ पे ये भी लग गए हैं, ये भी मैंने ले लिया है। अब जल्दी से वापस चलते हैं अपने फार्म पे, वैसे रात हो गई है तो अभी सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे, अब हम जल्दी से चलते हैं अपने फार्म पे और जल्दी से वहाँ पे सारी चीज़ें लगा देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी जल रहे हैं, आओ जलो जलो। तो इससे हमें एक्सपी भी मिल गई है, अब हम जल्दी से चलते हैं। तो हम वापस आ चुके हैं अपने फार्म पे और यहाँ पे हमने थोड़े से लगा दिए थे, अब बाकी ये रहे, इन्हें भी लगा देते हैं जल्दी से। तो हमारे पास ये ख़त्म हो गए हैं, अभी आधा ही हुआ था वो ख़त्म भी हो गए। अब ये जो है ना इधर वाली, इसके अंदर हम लगाने वाले हैं पोटैटो। तो हम यहाँ से जल्दी से लगाना शुरू कर देते हैं, और ये लग गए, ये पोटैटो तो सारे ही लग गए। वही क्या कर रही है, पीछे हो जा। हमारी जो है ना ये मिस बॉडी है बहुत ख़तरनाक है, एक ही शॉट में वो मर जाते हैं जो भी कोई हो। अब जल्दी से अभी एक लोग छोड़ के हम फिर से ये खोदते हैं, इधर हम लगाने वाले हैं ज़्यादा, तो जल्दी से फिर से खोदना शुरू कर देते हैं। ये हो गया हमारा, अब हमने जल्दी से वाटर लेकर आने। अब वाटर बकेट ये रही, जल्दी से पानी भर लेते हैं, और एक डाल दिया हमने यहाँ पे और इसे उठाकर अब जल्दी से चल लेते हैं। एक डाल दिया यहाँ पे, एक डाल दिया यहाँ पे, तो ये काम भी हमारा हो गया। अब हमें यहाँ से वाटर दोबारा भर लेते हैं, अब जल्दी से चलते हैं और से ये सारा कर देते हैं। तो ये भी कर दिया हमने, अब हमारी कैरेट, ये रही कैरेट, तो ये कैरेट भी हमारी सारी लग चुकी है, थोड़ा सा रह गया। ये हमने सारी कैरेट भी लगा दी है,
अभी कुछ ही देर में हमारा उगना शुरू हो जाएंगे। ये देखें ये जो ये वाला पोटैटो है ना, ये थोड़ा थोड़ा उग रहा है। हमारे सीड पूरे नहीं लगे लेकिन हमारे पोटैटो और ये कैरेट सारी लग गई हैं। एप्पल लगा के देखते हैं एप्पल लगता है कि नहीं। अरे एप्पल लगता है क्या? यहाँ पे एप्पल मैंने रख क्यों दिया, ये निकालना है। यहाँ पे एप्पल नहीं लगता, यानी हम एप्पल की फार्मिंग नहीं कर सकते। अब और कौन सी चीज़ रह गई है ये हमें देखना है। गैस सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ये तीनों भी हो गई हैं। अब हमें ये वाले जो सीड है ना, पहले ये और लेकर आते हैं और इनसे ना इसकी लाइन पूरी पूरी इसकी लाइन पूरी कर देते हैं। तो जल्दी से पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं दोबारा। तो गाइस यहाँ पे मैंने सारे अपने लगा दिए हैं। अब ये जो मैंने चौथी लाइन बनाई है ये है बीट रूट्स की, तो ये भी मैंने अब लगा दिए। अब हमारे सारे ये हो गए। अब गाइस हमारा जो अगला काम है वो है अपने फार्म के अंदर जानवरों को लाना। तो गाइस यहाँ पे मैंने सारा काम कर दिया है। ये देखें मैंने यहाँ पे जो सीड थे वो भी लगा दिए। अब ये जो मैंने आगे लगाया ना बेड रूट्स के, इसके थोड़े से रह गए हैं लेकिन वो भी हम अभी लगा देंगे। अब गाइस रात हो गई है तो भी अभी हमें जल्दी से घर पे जाना होगा। यहाँ पे ये गिरे हुए हैं पत्ते, ये मुर्गी को मारने से मिलते हैं, मैंने मुर्गी को मारा था उसके वजह से। तो जल्दी से इसे रख पाते हैं और फिर अपने घर पर चल लेते हैं। अभी हमें जल्दी से घर पे जाना है और फिर कल सुबह गाइस हम अपने फार्म में एक ऐसी चीज़ बनानी है जिसके अंदर हम अब एनिमल्स को लेकर आ सके। तो अब जल्दी से हम घर में चल लेते हैं टप्पे मार मार के। तो ये हम पहुंच गए अपने घर पर और अब जल्दी से हमें है सोना। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो गया और अब जल्दी से हम चल लेते हैं वापस उसी जगह पर। तो हमारे जो प्लेयर है उसे भूख बहुत ज़्यादा लग गई है, वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है। बताएँ क्यों, हमारा जो प्लेयर है ना, हाँ ये हर वक्त बहुत ज़्यादा भूखा रहता है, बहुत भूखा रही है। तो ये देखिए हमारा ये रहा हमारा फार्म। अब जल्दी से यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ना ये जो थोड़ा सा ख़राब है जगह, इसे भी सही कर देते हैं। तो ये अभी हमने कर दिया है। अब हमें गाइस इसका भी एक बाउंड्री बनानी है जिसके लिए मैं लेकर आया हूँ ये वाले फैन। तो अब जल्दी से हम इसे लगाना शुरू करते हैं। अब ये जैसे है ना हमें इसके यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब ये लग गए यहाँ पे, दरमियान में एक रह गया इसे भी लगा दिया। हमें जल्दी से आगे शुरू करते हैं लगाना, ये काफ़ी सारे लग गए ये दरमियान में। और ये कुछ लगा दिया और जल्दी से फिर से लगाते हैं और ये लग गया। अब गाइस हम तीसरी लाइन में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भी जल्दी से लगाते हैं। ये बहुत स्पीड में हम लगाते हैं, वो जा रहे हैं और इसी के साथ ये हमारी लग गई है बहुत सारी। अब बस ये थोड़ी सी जगह रह गई है। गाइस हो सकता है इसी के अंदर हमारा सारा काम हो जाए, ये जो तीन स्टैक मैं लेकर आया हूँ। अगर ना हुआ इसमें काम हमारा तो फिर हमें और वुड तोड़ के लेकर आनी पड़ेगी। वैसे वुड हमारे पास बहुत पड़ी है, ये देखें उससे हमें और बनानी पड़ेगी। फिर अब हमारी अगला स्टैक इधर है, ये रहा, इसे भी उठा लेते हैं और अब जल्दी से फिर से शुरू करते हैं। तो ये एक रह गया इधर, तो लग जा भाई। तो ये काम हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हमें इसका एक एंट्री जो वाली जगह बनानी है जो कि होने वाली है ये, तो हम इसे यहाँ से तोड़ देते हैं और यहाँ पे हम लगाने वाले हैं इसको।
अब जब भी हमने करना होगा तो हम ऐसे के अंदर जा सकते हैं, फिर हम इसे बंद कर देंगे। और ये क्या हो गया, बंद। और अब हम आ गए अपने फार्म में, अब कोई भी हमारे फार्म में नहीं आ पाएगा, ये अच्छी बात है। मेरे पास कोई टॉर्चेस नहीं है, तो ये हम चारों जगह पे एक एक ये लगा देते हैं ताकि रोशनी रहे। अब एक साइड रह गई है सिर्फ, इसे भी जल्दी से लगा देते हैं। अब ये जो दो बज गई है ना, वो तो हमारा एंट्री गेट कर दिया। एक इधर लगा देते हैं, एक ये अब हमारे हमें पता लग जाएगा कि ये है। गाइस ये रहा हमारा, ओ नीचे गिर गए रे बाबा। चलो फिर से ऊपर चलते हैं डस्ट लगा के, इस जगह को बंद कर देते हैं पहले, वरना हमारे एंट्री वाली जगह के सामने ही बैंड बज जाएगी हर बार। तो ये जल्दी से कर लेते हैं कंप्लीट। ये बताएं क्यों गलत लग जाती है बदतमीज। गलत लग गई ये भी, ये ओके गाइस अब ये हमारा हो गया। तो ये रहा हमारा फार्म, तो कैसा लग रहा है कमेंट्स में जाके ज़रूर बताना। तो अब हमें बनाना है अपने इनके लिए जानवरों के लिए फार्म, और वो हम बनाने वाले हैं इस जगह पे। तो ये हमने थोड़ी सी जगह साफ कर दी है, तो अब हमें इधर भी जल्दी से लगाना शुरू करते हैं। इधर पहले हमें ये बनाना है, उसके बाद हमें एनिमल्स को लेकर आना है। ये रहा हमारा फार्म, अब यहाँ से हम ऐसे बनाना शुरू करते हैं। और ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे टूल्स में भी तो फिर लगी हुई है ना एफिशिएंसी हमारी एक्स में, तो डरने की भी कोई बात नहीं है। तो ये हो गया, अब यहाँ से कर देते हैं हम इधर लगा देते हैं। तो गाइस इतनी जगह काफ़ी है, तो अब हम इसे पीछे को लगाते हैं। तो ये हो गया, अब हमें यहाँ से थोड़ी सी डरते हैं, यहाँ पे गंदी लग रही है, तो ये भी तोड़ दिया है। अब हम जल्दी से इसे लगाते हैं पीछे, हमें तो जाने दे दो ले बाबा, मुझे भी नहीं जाने दे रहे, मेरा काम है, मुझे भी नहीं आगे जाने दे रहा। तो गाइस ये हमारा हो चुका है फार्म कंप्लीट, ये वाला भी, लेकिन अभी फुल कंप्लीट नहीं हुआ। हमें यहाँ से अभी गिनना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो गाइस यहाँ पे हमारे 14 हो चुके हैं, अब हम जल्दी से इसे लगाते हैं। इसके हमें 3 पार्ट्स बनाने हैं 14 के, तो यानी हमारे 3 पार्ट्स बन जाएंगे। हमें 4-4 के डिस्टेंस से लगाना है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर लगाना शुरू करते हैं। और हमारी यही ख़त्म हो गई, ये एक स्टैक बचे और ही गाइस में कंप्लीट। ओके तो फिर जल्दी से लगाना शुरू करते हैं। और ये भी तो ये एक साइड का कंप्लीट हो गया, अब ये दूसरी साइड का 1, 2, 3, 4 तो यानी इधर लगाना है हमें। तो ये भी हो रहा है और ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4 ये वाला लग रहा है मुझे सेंटर पॉइंट। यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 5 हो गए हैं, यहाँ पे 3 हो गया। तो अब हमें इसको तोड़ना है,
ऐसे ही वो वाला तोड़ दिया। ये है हमारा दरमियान वाला पॉइंट। अब हमें यहाँ से ऐसे सीधा जाना है और इसको भी खोल देना है। तो गाइस ये हमारा हो चुका है, तीन पोर्शन बन गए हैं हमारे। अब इसका हमें यहाँ से ये वाला पार्ट खोलना है। तो ये लगा दिया। अब इसका कौन सा होगा, इसका कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ से दो खोल देते हैं। और यहाँ से भी इसके भी दो खोल दें। तो ये कर दिया और ये कर दिया। इसके बाद हमें लगाना है ये दोनों, ये। तो गाइस फाइनली हमने ये बना लिया है। अब हमें जल्दी से अपना जो फालतू का सामान है इसे रखते हैं और यहाँ से काम की चीज़ उठाते हैं। ये किसी काम का नहीं है, ये चाहिए और वीट, वीट नहीं है हमारे पास। तो ये रखें गाइस, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ बन गई है, ये शायद वीट है या गाइस हमने दूसरे नंबर पर वीट ही लगाया था। ये हमारे मिल गए हैं सारे। ये वाला एक जो नहीं तोड़ा, ये नहीं बना रही, उसका नाम तोड़ा ही नहीं है इसे। ये गाइस हमने सारा लगा दिया फिर से। तो गाइस अभी ये कैरेट भी बनने वाली है, वो थोड़ी सी रह गई है। अब हमें देखते हैं वीट कितना मिला है। गाइस 6 वीट मिला, सारे अभी बने नहीं थे इसलिए हमें सिर्फ 6 ही मिले। अब हमें लेकर आनी है जल्दी से। पहले गाइस मुर्गियां ले आते हैं। ओए मुर्गी इधर आ जा, आ आ आ। गाइस मुर्गियां ना सीट को देख कर आती हैं, इसलिए मैंने अभी इसे पकड़ा हुआ है। अब ये आ जाएगी अंदर। ओए आ जा, माँ तो नहीं खानी। चल बस अब इधर ही रह। तो गाइस फाइनली हमने एक मुर्गी पकड़ ली है, अब वो उसके अंदर आ गई है। ये क्या खाता है, कैरेट खाता है। वह देख मेरे पास कैरेट है, आ जा। तो गाइस इसे हम दरमियान वाले में लेके चलते हैं। बस कोई नहीं है, चल निकल, मारूंगा भी। अब वो देखो गाइस अभी बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका मुंह दरमियान में अटक गया है। तो अब ये हमने कर दिया है, यहाँ पे रड लगा दिया ताकि सही लगे, यहाँ पे भी थोड़ी सी लगा देते। तो गाइस यहाँ पे ये भी हो गया। अब हमें लेकर आनी है यहाँ पे शीप्स। तो शीप्स हमें मिलेंगी, वो शीप किधर है गाइस? लगता है अभी हमें वो देखें गाइस, हमारे फार्म के पीछे फिर रही है एक। अब अपना वीट निकाल लेते हैं जल्दी से और चलते हैं इसे लेकर लेने के लिए। आजा आजा, ये देखें गाइस कैसे भाग रही है, ये बहुत स्पीड में भागती है। वीट देखा नहीं और भाग पड़ी पीछे, खुद ही अपने जाल में फंस गई है, मेरा मतलब मेरे जाल में फंस गई है। हाँ कोई नहीं है, चल ना सीट देता हूँ मैं तुझे। वीट वीट खाएगी, मारूंगा भी। तो गाइस अब हमें बस एक और लेकर आनी है। अब गाइस हमारे तीनों एक एक हो गए हैं एनिमल्स, अब हमें एक एक और लेकर आने हैं, फिर हमें कोई टेंशन नहीं है। ओए तुम किधर से आया, ये निकल बेटा, मार के तो दिखा मुझे। तो बस ये एक और आ गया, तो मैंने आर बार करा हुआ। तो अभी तो इसे मार दिया, तो जल्दी से फूड खा लेते हैं। तो अब हमने फूड भी यहाँ पे खा लिया और अब हमें ढूंढनी है शीप। शीप मुझे लगता है कि ना अब हमें सुबह को ही मिलेगी, तो जल्दी से हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है एक खरीदकर मरने के लिए।
अब हम जल्दी से चल लेते हैं घर वापस। तो हम अब पहुंचने वाले हैं अपने घर पर और ये हम पहुंच चुके हैं, बस थोड़ा सी जगह और है और ये हम पहुंच गए अपने घर पे। अब यहाँ पे हम चलते हैं जल्दी से अंदर, तो यहाँ पे सो जाते हैं जल्दी से क्योंकि नेक्स्ट डे हमें अपने फार्म में बहुत सारे एनिमल्स को लेकर जाना है। तो ये हम जल्दी से अब चल लेते हैं। ओए तू रात अब मरी नहीं है, सुबह हो गई है, तो अब जल्दी से चल लेते हैं, अपनी सारी चीज़ें भी बाहर रख लेते हैं क्योंकि अब हमें उन्हें पकड़ना जो है। तो सीड मेरे सीड पत्ते हैं, ये रे सीड, तो जल्दी से अब चल लेते हैं। मेरे थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है था, ये भी कलेक्ट कर लेते हैं। और ये मिल ही नहीं रहे, स्पेस ही नहीं है हमारे पास, इसका मैं क्या ही करूँगा, इसकी जगह गन पाउडर ही दे दो। तो गाइस अब जल्दी से चल लेते हैं हम इधर, और वो देखें गाइस सामने एक शिकार हमें मिल चुका है, तो जल्दी से आ जाए शिकार। शिकार खुद ही शिकारी के पास आ रहा है लेकिन शिकारी अब डर के भाग रहे। हाँ तो दोनों आ जाओ जल्दी से, दोनों आ जाओ। तो गाइस यहाँ से मैंने एक और शिकार पकड़ लिया। अब ये जो पिग्स हैं ये तो हो गए हैं, अब हमें लेकर आने हैं चिकन्स और साथ में शीप्स। तो ये सामने नज़र आ गई है मुझे एक ये चिकन, तो इसे भी जल्दी से लेकर चलते हैं। आ जा चिकन, आ जा आ जा 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 जा, ये आ रही है हमारी चिकन, और अब हम जल्दी से चल देते हैं आगे। वैसे एक चिकन बताने की इधर रह गई, वैसे एक चिकन हमारे पीछे ही रह गई है, तो उसे जल्दी सब लेकर आना पड़ेगा। वो देखें वो फिर रही है वो चिकन। अब हमें भूख भी लग गई है तो पहले हम अपना खाना खा लेते हैं, बाद में इनको लेकर आएंगे। तो वैसे यहाँ पे एक बफेलो भी है लेकिन बफेलो को अभी नहीं हम लेकर आएंगे। तो गाइस अब शायद वो आ रही होगी, यस गाइस वो आ रही है, तो अब हम आराम से ही चलेंगे। तो हम जा रहे हैं आगे आराम आराम से ताकि मुर्गी भी हमारे पीछे आराम आराम से पहुंच जाए। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, गाइस मुर्गी उड़ने लग जाती है। वो एक मुर्गी इतना पीछे रह गई, आ जा आ जा आ जा जल्दी आ। तो ये गाइस हमारे दो एक और शिकार आ गया और एक किधर ये पिक हो रहा। अब हमें एक शीप और लेकर आनी है, और गाइस अभी हमें एक काम और करना है कि यहाँ पे जो डर्ट है ना इससे पीछे हमारे फार्म के वो हमें हटानी है, वरना कोई भी हमारे फार्म में ऐसे ही आ सकता है। अब हमारे फार्म में कोई नहीं आ सकेगा, बस इसको बोल दो यस गाइस अब नहीं कोई आ सकता। ओ ये किसने लगा दिया फार्म के अंदर, किसी ने सीट लगा दिए थे। तो अब जल्दी से हम एक और लेकर आते हैं शीप, और उसके बाद हमारा हो जाएगा फार्म कंप्लीट। बस एक चाहिए शीप और फार्म कंप्लीट। ओए किधर हो शीप, ओए शीप शीप शीप, गाइस शीप आज मिल ही नहीं रही, काम के टाइम पे मिलती नहीं है शीप। ओ गिर गए नीचे, तो वैसे इतनी ही घूम रही होती हैं, आज कोई भी नहीं मिल रही। इधर कोई है क्या, शीप कोई है, हेलो शीप। यहाँ पे तो पिक गया, पिक की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें बस चाहिए शीप, और शीप का इधर कोई है ना, मनीषा नहीं।
हेलो शीप, वो शीप। गैस वो वहाँ पे एक सामने एक डॉग है, मेरे पास हड्डी है तो गैस हम इसे टेम कर सकते हैं, हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। हेलो किधर हो? हेलो गैस, यहाँ पे ये देखें गैस डॉग मिल गया हमें। डॉग 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 इधर आ। तो गैस ये हमारा पेट बन चुका है। अब ये गैस मैंने इसे खिला दिया, इसके अंदर से हार्ट भी निकल आए हैं, तो यानी अभी ये जो डॉग है हमारे पीछे पीछे आएगा। आजा देखना गैस, हम जा रहे हैं ना, वो देखें हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो गैस अब ये जो डॉग है ये हमारा पालतू डॉग हो गया, अब ये हम हमारे साथ साथ आएगा। वो शीप टू तो आजा आजा। जल्दी आ शीप, जल्दी आ। आ गई शिप। ओ शिप किधर आ गई? इतनी आस्ते आस्ते जा रहा हूँ फिर भी नहीं आई। ओ जल्दी आ शिप। गैस एक बार ही आ गई ना तो उसके बाद हमारा जो फार्म है वो अनलिमिटेड हो जाएगा, यानी उसके अंदर फिर हम जितना मर्जी खाना लेते जाएं ऐसे हो जाएगा। हेलो कोई मतलब है कि नहीं? आ आ आ जल्दी से हम चल लेते हैं इधर, और अब हम जाएंगे अपने फार्म के अंदर। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ आ गई। तो गाइस हमने ये ले लिया है, अब गाइस हमारा जो काम है वो शुरू हो चुका है इनको ब्रीड करने का। इधर आ जाओ जल्दी, इधर खाना खाना है तो आ जाओ। तो गाइस ये देखें अब इन दोनों, ये दोनों ब्रीड करने लगे हैं, और यहाँ पे आ चुका है एक नया पिग, पिग बेबी। तो हम जल्दी, हमारा ये मर चुका है। गाइस यहाँ पे हमने ये भी कर लिया, अब बस अब गाइस जल्दी से हम यहाँ पे चल लेते हैं। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो गाइस कमेंट भी कर दिया करो। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।